सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है वो शख्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। जब वायरल पोस्ट की जांच की तो पता चला कि वीडियो में दिख रहे शख्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं बल्कि बीजेपी नेता सुब्रत मिश्रा है। वीडियो 2016 का है। फेसबुक यूजर एमबे खान ने 28 सितंबर 2020 को इस वीडियो को अपलोड करते हुए दावा किया, बीजेपी सांसद हर्षवर्धन के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लो भाई, बीजेपी सांसद हर्षवर्धन की पिटाई देख लो, धन्य है वो जिन्हें कड़ी निंदा का सुवासर। सबसे पहले वायरल वीडियो को इनविट टूल में अपलोड करके कई वीडियो ग्रैप निकाले। इसके बाद इन्हें गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। सर्च के दौरान NI के YouTube चैनल पर 19 अक्टूबर 2016 को अपलोडेड एक वीडियो मिला। वीडियो में आखिरी 5 सेकंड में वायरल वीडियो की झलकियां देखी जा सकती हैं। वीडियो के साथ कैप्शन लिखा था, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनके काफिले पर मंगलवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने कथित तौर से हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता की भी पिटाई की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए। भीड़ ने पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में कथित रूप से पथराव किया और पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। इस सिलसिले में हमें एक खबर www.ndtv.com पर भी 20 अक्टूबर 2016 को पब्लिश हुई। खबर में एक वीडियो भी था जिसमें वायरल वीडियो की झलकियां देखी जा सकती हैं। खबर के अनुसार जिस व्यक्ति की पिटाई हुई वो बंगाल भाजपा के नेता सुब्रत मिश्रा है। ये वीडियो गलत दावे के साथ 2016 में भी वायरल हुआ था। उस समय भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया था कि वायरल वीडियो में वे नहीं। आपको बता दें कि जब इस विषय में बंगाल बीजेपी के नेता सुब्रत मिश्रा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा, ये वीडियो 2016 आसनसोल का है, वीडियो में मैं ही हूँ। उस समय TMC के लोगों ने मुझ पर हमला किया था और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। सुब्रत मिश्रा से संपर्क करने के बाद ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं बल्कि बंगाल बीजेपी नेता सुब्रत मिश्रा हैं। वीडियो 2016 का है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।